कुतुब मीनार दुनिया के सबसे ऊंचे मीनार में से एक है। हमें ऐसा बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि इसे मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, लेकिन क्या यही सच्चाई है? शायद नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्या है कुतुब मीनार का रहस्य, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। सबसे पहले हम कुतुब मीनार के बारे में कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिनको सालों से लोग सच मानते हैं। आज से 822 साल पहले 1199 में कुतुब मीनार को बनाने का काम शुरू किया गया था और 1220 में ये बन गया था। इसे बनाने में 21 साल लग गए। कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि तुर्किस्तान से हिंदुस्तान की जमीन पर आया था और दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजा बना था। लेकिन इस मीनार को पूरी तरह से कम्प्लीट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमशुद्दीन ने। इस मीनार की हाइट 72.5 मीटर है। इसे मिनारेट भी माना जाता है। आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि मिनारेट क्या होता है। असल में मिनारेट इस्लामिक कल्चर का एक टाइप का टावर होता है जो सिर्फ मस्जिद के पास ही बनता है, क्योंकि मिनारेट पर चढ़कर ही अजान देने का काम होता है। लेकिन कुतुब मीनार के लिए ये चीज बिल्कुल भी मानने लायक नहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि इस मीनार का भी इस्तेमाल अजान देने के लिए होता था। लेकिन अगर एक्सपर्ट की बात पर ध्यान दे तो इस कुतुब मीनार की हाइट इतनी ज्यादा लंबी है कि एक इंसान के इस पर चढ़कर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने पर भी उसकी आवाज नीचे नहीं पहुंचने वाली। दूसरी चीज ये है कि इस मीनार में ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर जाने कम से कम 30 से 35 मिनट लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर बनी सीढ़ियां बहुत ही नैरो और घुमावदार हैं। तो किसी भी इंसान के लिए दिन में 4 से 5 बार 40 मिनट लगाकर ऊपर जाना और फिर नीचे आना यह बिल्कुल भी मानने लायक बात नहीं है। इसे एक तरह से विक्ट्री टावर भी कहा जाता है, क्योंकि जब बाहर के घुसपैठियों ने दिल्ली में आक्रमण किया था और दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तब उन्होंने इस टावर को बनाया था ये बताने के लिए कि दिल्ली अब हमारी है। दोस्तों ये बात काफी सिंपल है, लेकिन इतनी भी नहीं। आइए जानते हैं दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स को और जानते हैं कुछ गहरे छुपे हुए राज। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स साइट 24,000 स्क्वायर फीट मीटर में फैला हुआ है। कुतुब मीनार के बनने के बाद बहुत से राजा आए जिन्होंने कुतुब मीनार में कई तरह के चेंजेस किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया, फिर उनके बेटे, फिर दामाद, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर आखिरी में अंग्रेज भी आए। सब ने अपने हिसाब के कुतुब मीनार में चेंजेस किए। आज के समय में हम जो कुतुब मीनार देखते हैं वो आज से 800 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। अगर पहली नजर में कोई कुतुब मीनार को देखे तो ये एक इस्लामिक स्ट्रक्चर जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये इस्लामिक नहीं है। कुतुब मीनार का फ्रंट गेट नॉर्थ की तरफ है, लेकिन इस्लामिक कल्चर में गेट नॉर्थ की तरफ नहीं होता। नॉर्थ की तरफ फ्रंट गेट हिंदुइज्म में शुभ माना जाता है। इन्हीं सब कारणों से एक्सपर्ट का ये मानना है कि कुतुब मीनार को एक हिंदू राजा द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार के थोड़ा सा आगे हमें भारतीय मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कुतुब मीनार से पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर थे, जिन मंदिरों को तोड़कर भारत की सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी। जैसे जैसे आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, और वो है इसके पिलर पर कमल के फूल का डिजाइन, और कमल हिंदुइज्म में काफी इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही इन कमाल के फूल के साथ घंटियों का डिजाइन भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक इस्लामिक स्ट्रक्चर पर घंटियां और कमल का फूल क्यों, जबकि इस्लामिक कल्चर में घंटियों को अशुभ माना जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कुतुब मीनार बनवाने वालों को हिंदू टेंपल का डिजाइन पसंद आया और इसीलिए उन्होंने ऐसा डिजाइन मीनार पर बनवाया था। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि जब दिल्ली हासिल कर ली थी और अपना पावर साबित करने के लिए विक्ट्री टावर बनाना था तो ये तो कहीं भी बन सकता था, फिर उन्होंने 27 हिंदू और जैन टेम्पल को तोड़कर ही क्यों बनाया? असल में उस समय के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे,
उनके लिए पूजा पाठ और भगवान की आस्था ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। इसलिए इन विदेशियों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर इन पर राज करना है तो इनकी आस्था से इन्हें हटाना होगा। और सिर्फ ये 27 हिंदू जैन टेम्पल ही नहीं, अपने जीवन काल में इन्होंने हजारों ऐसे मंदिरों को तोड़ा था। हमें स्कूल में अक्सर कुतुब मीनार की अच्छाई बताई गई और छिपा दिया गया इन्हीं रहस्यों को। तो अब बात करते हैं इस मीनार के ऊपर की गई मॉडिफिकेशन के बारे में। अगर आप 200 साल पहले की फोटो देखेंगे तो पाएंगे कि जो टॉप के दो फ्लोर हैं, उनका डिजाइन कुछ डिफरेंट है बाकी के फ्लोर से। कहा जाता है कि 1368 अक्टूबर के महीने में भयंकर बारिश हुई। दिल्ली में तब भयंकर बिजली मीनार पर गिरी थी, जिसमें ऊपर के दो फ्लोर डैमेज हो गए। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और ऊपर के दो फ्लोर को ठीक करवाने में व्हाइट मार्बल का यूज किया। कुतुब मीनार के जस्ट सामने आप एक शाही दरवाजे को देखेंगे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था जब दिल्ली पर उसका राज हुआ करता था। अब बात करें कुतुब मीनार के बालकनी की, तो जब ये कुतुब मीनार बना था तब ये बालकनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। बल्कि जब साल 1800 के करीब हिंदुस्तान में अंग्रेज का शासन हुआ तो उनके अंडर कुतुब मीनार भी आया, तब उन्हें कुतुब मीनार में कुछ कमी लगी है और फिर उसके बाद उन्होंने इसके बालकनी पर काम कराया, जिसके वजह से ये बालकनी इस तरह दिखती है। कुतुब मीनार के ऊपर आपको अरबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखेगा। कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि इस पर लिखे अरबिक वर्ड्स में बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी और वो है ये आयरन पिलर। इस आयरन पिलर पर एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करके पता लगाया कि ये पिलर 5th सेंचुरी का है और ये 98.6% आयरन से बना है और 1.4% इसमें बाकी के एलिमेंट है। इस पिलर को अलाउद्दीन खिलजी ने 14th सेंचुरी में यहाँ पर लगाया था। इस पिलर पर आपको संस्कृत इंस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ दिखेगा, साथ ही इस आयरन पिलर पर आपको तोप के गोले के निशान भी दिखेंगे। असल में अहमद शाह दुर्रानी, जो कि एक अफगानिस्तान का राजा था और दुर्रानी एम्पायर का फाउंडर, जब वो दिल्ली आया था और इस कॉम्प्लेक्स में भी आया, तब उसने सोचा कि इस पिलर की यहाँ पर कोई जगह नहीं है और इसे गिराकर हटा देना चाहिए। इसके लिए उसने तोप के गोले से इस पर तोप छोड़ी, लेकिन तोप का गोला इसे छूकर नीचे गिर गया, जिसके बाद वो हैरान हो गया। और फिर बहुत से लोगों ने उसे राय दी कि इस पिलर को मत गिराओ, क्योंकि अगर ये पिलर गिरा तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, इतिहास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इतिहास हमें मदद करता है हमारे फ्यूचर को सेव करने में। हम इतिहास को इसलिए जानना चाहते हैं ताकि हम जो गलती कर चुके हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहरा सके। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को समझना चाहिए। जो चीजें पास्ट में हुई हम उन्हें बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम उससे कुछ न कुछ सीख जरूर सकते हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि हम सभी को असली इतिहास जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, समझना चाहिए, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उससे भी ये सारी बातों को उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें।